आपको क्या पता बिहार में हो गया है कि नहीं हुआ है? आपको पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ है? क्या पता हो गया हो, तो इसकी चिंता आप ना करें। देखिए, मकर संक्रांति की सबसे पहले आप सब लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। पूरे देशवासी, बिहार के लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं, और लगातार हम लोगों के घर में परंपरा रही है, जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी रहे हैं तब तब जो है मकर संक्रांति जो है उस दिन खास दिन पर लोगों को दही चूड़ा, कोहरे की सब्जी, तिल कुट खिलाने का काम करते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, इतनी ठंड में भी हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं, और सब लोगों का हम लोगों ने स्वागत किया। विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनका भी स्वागत किया गया। सभी मंत्रिमंडल के लोग, सब लगभग सभी मंत्रिमंडल के लोग जो है यहाँ आए हैं, उन सब लोगों का भी हम लोगों ने स्वागत किया है। और ये पर्व त्योहार तो हम लोग लगातार शुरू से मनाते रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात होती है कि खुशियाँ जो है सब में बांटी जाती है, तो अच्छा लगता है हम लोगों को। बेकार की बातें, देखिए इस पे हम बार बार, ये कितने दिनों से चल रहा है और कितनी बार इस बात को लेकर के कोई सफाई क्यों देगा, जो बात एग्जिस्ट करती ही नहीं है। असल में जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा जो है घबराई हुई है। जब से आदरणीय लालू जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी एक साथ आए हैं, और जिस हिसाब से नौकरियां दी जा रही है, जिस हिसाब से आरक्षण बढ़ाया गया, जाति आधारित गणना की गई, स्वयं सहायक समूहों में से लगभग बहुत समूह का जो है हम लोगों ने मानदेय जो है वो बढ़ा दिया, कई पॉलिसीज हम लोगों ने लाया। अब बिहार में इन्वेस्टर्स मीट होता है, उसमें 50,000 करोड़ का MOU साइन होता है, तो लोगों में तो थोड़ा डर तो है कि भाई ये लोग तो अपना कमिटमेंट भी पूरा करके आ रहे हैं, तो इसलिए कोई भी कुछ भी कहता रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपको क्या पता बिहार में हो गया है कि नहीं हुआ है? आपको पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ है? क्या पता हो गया हो, तो इसकी चिंता आप ना करें।